क्या जॉनी लिवर फिल्मों में आने से पहले सच में सड़कों पर पेन बेचा करते थे? कहते हैं हर कामयाब व्यक्ति के पीछे उनकी संघर्ष भरी कोई न कोई कहानी छुपी होती है। कॉमेडी के बादशाह जॉनी लिवर ऐसे ही शख्सियत हैं, जिन्होंने काफी कठोर परिश्रम के बाद बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडी किंग के रूप में अपनी पहचान बनाई। तो आइए आज जॉनी लिवर के जिंदगी पर डालते हैं एक नज़र। कॉमेडी के उस्ताद जॉनी लिवर का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। उनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उनके पिता एक निजी कंपनी में ऑपरेटर का काम करते थे और उनकी मां घर संभालती थी। जॉनी लिवर ने आंध्र एजुकेशन सोसाइटी हाई स्कूल से अपनी पढ़ाई शुरू की थी, लेकिन घर की माली हालत खराब होने की वजह से जॉनी को सातवीं क्लास के बाद अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। यहां से शुरू हुई उनकी संघर्ष की कहानी। जब जॉनी लिवर के घर की आर्थिक हालत ज्यादा खराब हुई तो उन्होंने घर वालों की मदद की ठानी, जिसके बाद उन्होंने मुंबई की सड़कों पर बॉलीवुड सितारों की नकल करके घूम घूम कर पेन बेचना शुरू कर दिया था। इसके साथ ही डांस करके भी वो लोगों का मनोरंजन किया करते थे। दरअसल उन्हें बचपन से मिमिक्री करना बेहद ही पसंद था। लोगों को जोक सुनाकर हंसाया करते थे, लेकिन जोक सुनाकर या फिर किसी की मिमिक्री करके किसी को हंसाना आसान नहीं होता, लेकिन जो खुशी जो सुकून लोगों को हंसाकर मिलता है उसका आनंद ही कुछ और होता है। कुछ समय बाद में जॉनी ने अपने पिता के साथ मुंबई की हिंदुस्तान लिवर कंपनी में काम करना शुरू कर दिया था। यहाँ भी वो एक्टिंग और कॉमेडी कर लोगों को हंसाया करते थे। धीरे धीरे वो मशहूर होने लगे थे और यहीं पर उनको जॉनी लिवर नाम दिया गया था। बता दें उनके बचपन का नाम जॉन प्रकाश राव जनुमाला था। जॉनी लिवर ने बाद में स्टैंड अप कॉमेडी करना शुरू कर दिया था और एक ऐसे ही शो के दौरान अचानक सुनील दत्त की नज़र उन पर पड़ी। इसके बाद सुनील दत्त ने जॉनी लिवर को फिल्म दर्द का रिश्ता में पहला ब्रेक दिया। यहां से उनके बॉलीवुड करियर की शुरुआत हो गई। इसके बाद कई फिल्मों में वो सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर नजर आने लगे। दर्शकों को उनकी कॉमेडी काफी ज्यादा पसंद आने लगी और लोगों ने उन्हें कॉमेडी का बादशाह बना दिया।